गोवर्धन में मनाया गया जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का श्रद्धांजलि समारोह। गोवर्धन शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। पूरा देश इस समय एक और जहां आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, पूरे देश में जगह जगह स्वतंत्रता महोत्सव के कार्यक्रम जारी हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश पर मर मिटने वाले व देश को आज़ादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहा है। इसी क्रम में शनिवार को कस्बा गोवर्धन में श्री लक्ष्मी नरसिंह नवग्रह वाटिका में देश को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले मथुरा जिले के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन मथुरा द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर जिले भर के सभी स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारी और अन्य परिजनों का दुपट्टा व माला पहना का स्वागत सम्मान किया गया। तो वहीं स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों ने अपने अपने विचार रखे। वहीं कुछ सेनानियों के परिजनों की बातों में सरकार द्वारा अपेक्षित किए जाने का भी दर्द छलक आया। सेनानियों के संबंध में प्रोग्राम रखा गया, क्या कुछ प्रोग्राम क्या है? हमारे जिले में जो है 702 सेनानी हुए थे और 702 सेनानियों में ये अपने आप में गौरव की बात है कि एक व्यक्ति मात्र आगरा मंडल का जो है लक्ष्मण शहीद हुआ था। वो जो है उसकी कल पुण्यतिथि है 28 अगस्त को वृंदावन। हम जो है मेरे पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी छपनी है और जो हमारे जिन्होंने हमारे उत्तराधिकारी संगठन की जो है स्थापना की श्री बीरेंद्र केसरिया जी, उनकी 16। हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे पिताओं का, हमारे पूर्वजों का तो जो सहयोग है, हम उनकी संतानें हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पे हम प्रतिवर्ष जो है और श्रद्धांजलि सभा आयोजित करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि इसी सभा में हम मथुरा जिले के 702 जो सेनानी हुए थे और उनसे ज़्यादा वो लोग जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इनको सहयोग दिया, जो जंगल में जाते थे कि भैयालवानी जाती थी लोटा लेकर के, रोटियों को बीच में रुपया धर के जाना है कि कहाँ क्या जाना है, उन लोगों को भी जो है जो आज नहीं है वो लोग, उनको भी मेरी श्रद्धांजलि है और सबको ही श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। और आप सभी जो आए हैं, आपका जो सहयोग है, प्रयास यही रहेगा कि हम जो सेनानी परिवारों का है जो आपस में एकजुट हों, आगे भविष्य में जो है आप भी मेरे को सुझाव दें, मैं आपके द्वारा पूरे मथुरा जनपद के कस्बे के सभी व्यक्ति से ये आशा करता हूँ मुझे सुझाव दें, मैं स्वतंत्रता सेनानियों का गोवर्धन में एक स्मारक बना सकूँ जो अपने आप में अद्वितीय हो, जो लोग जैसे गणराज्य हमारे हैं, पर्यटन स्थल है, आने वाले समय में यहाँ पे पब्लिक आएगी तो उनके सेनानियों का इतिहास मिल सके।